शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वतन के वास्ते क्या किया अगर पूछा शहीदों ने, आखरेत में क्या सर हमारा ऊंचा खड़ा होगा। 23 मार्च 1931, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को तड़के सुबह फांसी पर लटका दिया गया। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर आज की सुबह हम भारतीयों को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कुर्बानी याद नहीं आती है तो हमारे सीने में, हमारे शरीर में खून नहीं पानी बहता है। आज मैं आपके सामने शहीद आजम भगत सिंह की जेल डायरी की पृष्ठ संख्या 2 पर लिखी गई बातों को रखने वाला हूं। भगत सिंह लिखते हैं, प्रेमी, पागल व कवि सब एक ही मिट्टी के बने होते हैं। विवेचनात्मक विशेष से सामान्य बनना, निगमनात्मक सामान्य से विशेष बनना, अपकेंद्री केंद्र के विपरीत झुकाव होना, अभिकेंद्री केंद्र की ओर झुकाव होना। आगे वो लिखते हैं, मेरी शक्ति उत्पीड़ितों से उत्पन्न शक्ति है, मेरा साहस हताशा से उत्पन्न साहस है। कुर्राए खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूं जो जिंदान में आजाद रहा। धूल का प्रत्येक कण मेरी गर्मी से आंदोलित है, मैं वह दीवाना हूं जो जेल में रहते हुए भी मुक्त हूं। मनुष्य जाति के लिए धन शहद के समान है। नमस्कार।